कॉमेडियन कपिल शर्मा जो पूरे देश में अपनी कॉमेडी और टाइमिंग का लोहा मनवा चुके हैं और अब फिल्में करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट्स को लेकर काफी चर्चा में भी रहते हैं। पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों पर कमेंट करते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। वो बात एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जब कपिल मेहमान बनकर पहुंचे थे, उसके बाद करण ने उनसे काफी सवाल जवाब किए और उनसे ट्विटर पर किए उनके ट्वीट के बारे में पूछा, तो कपिल ने बोला डोंट ड्रिंक एंड ट्वीट। कपिल के इस जवाब से तो ऐसा लगता है कि कपिल ने नशे में ट्वीट ना करने की सलाह दे रहे हैं, पर इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कपिल ने ट्वीट नशे में किया था। बता दें कि पिछले साल कपिल शर्मा का ऑफिस बनवाने को लेकर मुंबई में बीएमसी के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद उसी दिन देर रात कपिल ने ट्वीट कर मोदी के अच्छे दिन और करप्शन फ्री कैंपेन पर सवाल उठाए थे। कॉफी विद करण के आखिरी एपिसोड में कपिल नजर आएंगे और कपिल के साथ ही शो के इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रोहित की रिपोर्ट।